हेलो गाइज, स्वागत है आपका वीयर के चैनल में। यूं तो टॉम क्रूज ने बेहद ही शानदार एक्शन और साईफाई फिल्मों में अभिनय किया है, पर एक मूवी ऐसी भी है जिसे वक्त से पहले बना दिया गया और यही वजह रही कि जो सक्सेस इस मूवी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। वनीला स्काई अच्छे अच्छों का दिमाग हिला देने वाली एक ऐसी मूवी है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच है और क्या झूठ। टॉम क्रूज यानी कि डेविड एक बहुत ही अमीर इंसान है क्योंकि वो एक ऐसी सक्सेसफुल कंपनी का मालिक है जिसको उसके फादर ने एस्टेब्लिश किया था, पर एक एक्सीडेंट में डेविड के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। डेविड अपनी कंपनी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता और आए दिन पार्टीज करना, लड़कियां पटाना, इसी सब में रहता है। कंपनी के 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं जिनके पास कंपनी के 49% शेयर्स हैं। 51% शेयर डेविड के पास होने की वजह से वो उस कंपनी का मालिक है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कंपनी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। डेविड की एक फ्रेंड है जूली गियाना, जिसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशन में है। डेविड जूली को सिर्फ फ्रेंड मानता है, पर जूली उससे शादी करना चाहती है। यहां तक कि डेविड उसे अपने बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट नहीं करता। वहां डेविड का बेस्ट फ्रेंड ब्रायन अपनी फ्रेंड सोफिया के साथ आता है। डेविड सोफिया से मिलकर एक अलग ही अट्रैक्शन फील करता है। वो खुद अपनी और अपने लुक्स की तारीफ करता रहता है। दरअसल डेविड को अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार था तो खुद के अच्छे दिखने से। तभी वहां जूली आ जाती है, जिस वजह से डेविड सोफिया को कहता है हम ऐसे बात करेंगे जैसे हम बहुत खुश हैं, जिससे वो लड़की जो हमें स्टॉक कर रही है वो यहाँ से चली जाए। थोड़ी देर बाद डेविड सोफिया को छोड़ने उसके अपार्टमेंट जाता है। वहां सोफिया बताती है कि वो सिंगिंग और डांसिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए यहाँ आई है और वो पार्ट टाइम डेंटिस्ट के यहाँ जॉब भी करती है। डेविड और सोफिया दोनों को ही स्केचिंग का शौक था। सोफिया डेविड की स्केचिंग देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उसे साथ में ये भी समझ आ जाता है कि ये एक गैर जिम्मेदार अमीर इंसान है, लेकिन फिर भी वो खुद को डेविड की बातों से अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाती। तभी सोफिया और डेविड टीवी पर एक ऐड देखते हैं जिसमें साइंटिस्ट कुछ इन्वेंशन की बात कर रहे थे और वो बेनी द डॉग का एग्जांपल देते हैं। डेविड के साथ भी यह पहली बार हुआ था कि वो किसी लड़की के साथ रात भर रहा और उनके बीच कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से डेविड उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सोफिया उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए वरना वो 7 ड्वार्फ तुम्हारी कंपनी छीन लेंगे। डेविड उससे प्रॉमिस करके निकलता है कि वो सब ऐसा ही करेगा। बाहर आकर वो अपनी कार में बैठने वाला होता है, तभी वहां जूली आ जाती है, जिस पर डेविड उसे कहता है तुम मुझे स्टॉक कर रही हो। जूली अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहती है हाँ थोड़ा बहुत, और वो डेविड को अपनी कार में बैठा लेती है, पर फिर उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो गुस्से में कार तेज भगाने लगती है। डेविड उसे काफी रोकने की कोशिश करता है और उसे शांत करने के लिए आई लव यू भी कहता है, पर तब तक जूली अपनी गाड़ी एक ब्रिज से नीचे गिरा देती है जिसमें जूली की डेथ हो जाती है और डेविड भी लगभग 3.5 हफ्तों बाद कोमा से बाहर आता है। डेविड का फेस और एक आर्म बुरी तरह बेकार हो चुके थे और उसके कोमा में होने की वजह से अच्छे अच्छे सर्जन भी प्लास्टिक सर्जरी ना कर सके। डेविड टॉप मोस्ट सर्जन के साथ मीटिंग करता है और खुद पर एक्सपेरिमेंट करने को कहता है, पर सर्जन साफ मना कर देते हैं। वो डेविड को एक प्रोस्टेटिक मास्क देते हैं कि वो इसका यूज करे। डेविड के पास बेसुमार पैसा होते हुए भी उसे मास्क से काम चलाना पड़ता है। फिर कहानी स्विच होती है जेल की तरफ, जिसमें मास्क लगा हुआ डेविड कैद है और उसके सामने एक साइकेट्रिस्ट है जो कि डेविड से सारी जानकारी बताने को कह रहा है, पर डेविड उससे कुछ शेयर नहीं करना चाहता, जिस पर साइकेट्रिस्ट कहता है तुम मुझे सब कुछ बताओगे तभी मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। फिर डेविड साइकेट्रिस्ट से कहता है मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, पर एक्सीडेंट में मेरा चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका था, और वो अभी तक की सारी स्टोरी साइकेट्रिस्ट को सुनाता है। कहानी फिर से बैक में जाती है जहां डेविड को मास्क पहनने की आदत डाल रहा था। वो अपनी कंपनी पर भी ध्यान देने लगता है। कुछ दिन बाद उसमें कॉन्फिडेंस आता है तो वो सोफिया से मिलने की कोशिश करता है। सोफिया उसे देखकर पहले तो शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो पार्टी में मिलने का प्लान बनाते हैं। घर पर डेविड टीवी पर वही एड देखता है बेनी द डॉग वाला, जो उसने सोफिया के साथ बिताई पहली रात में देखा था, जिस वजह से उसे सोफिया की याद आ जाती है और फिर वो सोफिया को कॉल करके क्लब के लिए इनवाइट करता है। क्लब में जाने पर डेविड सोफिया को ब्रायन के साथ देखता है। डेविड के आते ही सोफिया वॉशरूम चली जाती है और उसके जाते ही ब्रायन डेविड से कहता है तुम ये मास्क लगा के क्यों आए हो। डेविड कहता है मैंने भी यहाँ सोफिया को अकेले बुलाया था, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर ब्रायन कहता है मुझे सोफिया ने बुलाया है, जिस पर डेविड को बुरा लगता है और उसको समझ आता है कि सोफिया उसे इग्नोर कर रही है, जिस वजह से डेविड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। क्लब में भी सभी डेविड के खराब फेस का मजाक उड़ाते हैं। डेविड सोफिया को उस रात हुई बातें ध्यान दिलाने की कोशिश करता है, पर सोफिया अनकंफर्टेबल फील करती है और वहां से उठकर जाने लगती है। डेविड उसका पीछा करता है
और ब्रैंड भी उनके साथ आता है। डेविड सोफिया से नेक्स्ट टाइम मिलने की बात करता है, जिस पर सोफिया कहती है हम अब नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे जब हम दोनों कैट होंगे। डेविड को वो बात बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है। उसके जाने के बाद डेविड और ब्रायन में भी काफी बहस होती है। फिर ब्रायन भी वहां से चला जाता है। डेविड पागलों की तरह रोड पर दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ चला जा रहा होता है। फिर वो एक जगह गिरकर रोने लगता है। ये ऐसा दिन था जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर फील कर रहा था। उसके माँ बाप उसके पास नहीं है, 7 ड्वार्फ हैं जो उसकी कंपनी हथियाना चाहते हैं, उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ नहीं है, और जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो भी उसे छोड़ चुकी है, और उसकी खूबसूरती उसका चेहरा भी उसके पास नहीं है। ये सब सोचते हुए वो वहीं रोते रोते सो जाता है। साइड में उसका मास्क भी डला होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वहीं रोड पर डेविड के पास सोफिया आकर जगाती है और कहती है सिंपथी पाने का ये बहुत अच्छा तरीका था और ये मुझ पर काम भी कर गया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ डेविड, तुम अभी भी बहुत अच्छे दिखते हो। अगर मैं तुमसे फर्स्ट टाइम अट्रैक्टेड हो सकती हूँ तो तुम में कुछ ऐसी बात होगी जिससे मैं अभी भी अट्रैक्टेड हूँ। देन सोफिया डेविड को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाती है। डेविड ब्रायन के बारे में पूछता है तो सोफिया कहती है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ चला गया। देन डेविड सोफिया से कहता है मुझे लगा कल रात तुम दोनों हुकअप कर रहे हो। कहानी फिर से जेल में शिफ्ट होती है, जहां डेविड सोफिया को इमेजिन कर उसका स्केच बना रहा होता है। तभी उसका डॉक्टर वहां आकर उससे और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर डेविड से अपना फेस दिखाने को कहता है। डॉक्टर आगे कहता है ये सही है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, ये सही है तुम्हारा चेहरा खराब हुआ, पर उन्होंने तुम्हारा चेहरा ठीक भी तो कर दिया। अपना मास्क हटाओ डेविड और अपना परफेक्ट फेस देखो। देन डेविड को याद आता है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है कि एक सर्जन ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की और उस सर्जरी से डेविड का फेस सही कर दिया। देन डेविड लगे हुए मास्क के साथ सोफिया के सामने जाता है। सोफिया कहती है बिलीव करो और मास्क निकालो। देन सोफिया खुद ही डेविड का मास्क निकालती है और डेविड का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो चुका होता है। अब डेविड के पास उसका लव है, कोई उसे हेटफुल नजरों से नहीं देखता, उसने अपनी कंपनी पर भी अपना फोकस कर रखा है। डेट मीन्स कि उसकी लाइफ में उसके पास अब सब कुछ था। देन डेविड और सोफिया के काफी सारे हुकअप सीन दिखाए जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में ब्रायन डेविड को देखकर कहता है ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम्हारी स्टिचिंग ओपन हो रही है, जिससे डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है, पर ब्रायन मजाक कर रहा था। डेविड के मन में अभी भी एक डर था सब कुछ खोने का। उसको अक्सर अपने भद्दे चेहरे के सपने आते रहते थे। ऐसे ही एक दिन वो सुबह उठकर खुद को कांच में देख रहा था। बेड पर वापस आने पर डेविड सोफिया की जगह जूली को देखकर शॉक हो जाता है। डेविड जूली से पूछता है वेयर इज सोफिया, जिस पर जूली कहती है आई एम सोफिया। डेविड उसको बांध देता है और फिर से सोफिया के बारे में पूछता है, जिस पर जूली एक ही जवाब देती है आई एम सोफिया। देन डेविड कहता है तुम कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी, तुम्हारी वजह से मेरा फेस खराब हुआ, अब तुम यहाँ कैसे, तुम मुझे फिर मारना चाहती हो। पर जूली एक ही बात बार बार बोल रही थी आई एम सोफिया प्लीज ट्रस्ट मी। डेविड तंग आकर पुलिस को कॉल कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पुलिस ने डेविड को ही पकड़कर जेल में डाल दिया है। वहां डेविड का एक वेल विसर टॉमी उससे मिलने आता है, जिसने समय समय पर कंपनी चलाने में भी डेविड की हेल्प की थी। टॉमी डेविड से कहता है हमें ये सब सॉल्व करना होगा, मेरे पास ये फोटोज है, मैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डेविड को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर टॉमी कहता है आई थिंक तुम्हें देखना चाहिए तुमने सोफिया के साथ क्या किया। फोटो में जूली का काफी सारे घाव से सना हुआ चेहरा होता है। डेविड फोटो देखकर कहता है ये सोफिया नहीं जूली है और मैंने ये सब नहीं किया, जिस पर टॉमी कहता है हम सब कुछ ठीक कर देंगे डोंट वरी। डेविड को टेम्परेरी वेल मिल जाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर आते वक्त एक आदमी डेविड से कहता है दिस इज द रिवॉल्यूशन ऑफ माइंड, ये सब दिमाग का चक्कर चल रहा है। डेविड उसे इग्नोर करता हुआ बाहर आ जाता है, जहां उसका दोस्त ब्रायन डेविड को काफी कुछ सुनाता है। डेविड ब्रायन को समझाने की कोशिश करता है, जिस पर ब्रायन कहता है जूली मर चुकी है, तुमने जो किया सोफिया के साथ किया। डेविड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो ब्रायन से कहता है तुम भी उन सबके साथ मिले हुए हो, जिस पर ब्रायन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डेविड को एक आदमी के साथ रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। वहां वो आदमी डेविड से कहता है तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है मेरे पास उस सबका एक्सप्लेनेशन है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तुमने मुझे इंटरनेट पर ढूंढा था, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ डेविड। जिस पर डेविड उसे गाली देते हुए कहता है तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ रेस्टोरेंट में बैठा हर व्यक्ति तुमसे कोई मतलब नहीं रखता, सब अपनी बातों में ही लगे हुए हैं, तुम उन सबको कंट्रोल कर सकते हो डेविड, यहाँ तक कि मुझे भी, यहाँ रेस्टोरेंट में बैठा हर व्यक्ति इसलिए मौजूद है क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो, तुम इनके भगवान हो और तुम इनसे कुछ भी करवा सकते हो। डेविड गुस्से में कहता है
मैं चाहता हूँ कि सब अपनी बकवास बंद करें, स्पेशली यू। तभी रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा जाता है और सभी डेविड की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर वो आदमी डेविड से कहता है, देखा तुमने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। डेविड घबराकर रेस्टोरेंट से चला जाता है। तभी जेल का सीन दिखाते हैं, जहां साइकेट्रिस्ट डेविड से पूछता है, कौन था वो आदमी, क्या तुमने सच में उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या तुम सपने और हकीकत में फर्क कर पा रहे हो। जिस पर डेविड को याद आता है उसने कुछ तो साइन किया था, पर उसको ठीक से कुछ याद नहीं आता। डेविड कहता है, उस रात कोई तो मरा था, पर वो सोफिया नहीं थी। वो काफी याद करने की कोशिश करता है, पर उसे सब कुछ टुकड़ों में याद आ रहा था। सीन में दिखाते हैं, डेविड सोफिया के घर में आया था, पर वहां भी हर जगह जूली के ही फोटो थे। यहाँ तक कि डेविड ने उस रात जो स्केच बनाए थे उनमें भी जूली थी। तभी वहां जूली आ जाती है और वही कहती है, आई एम सोफिया, और फिर वॉशरूम में चली जाती है। डेविड देखता है वॉशरूम से सोफिया बाहर आती है, फिर वो इंटीमेट होने लगते हैं। उसी दौरान डेविड को फिर से सोफिया की जगह जूली दिखने लगती है। इंटीमेसी के दौरान ही डेविड बहुत परेशान होता है और वो पिलो से जूली का चेहरा दबा देता है, जिससे जूली की डेथ हो जाती है। देन वो वहां से भागता है। मिरर में देखने पर उसे अपना चेहरा भी पहले जैसा खराब दिखने लगता है। फिर जेल का सीन दिखाते हैं, जहां डेविड कहता है, मुझे ऐसी फील आ रही है कि मैंने किसी को नहीं मारा, जैसे कि मैं सपने में हूँ। जिस पर साइकेट्रिस्ट पूछता है, रेस्टोरेंट में वो आदमी कौन था। डेविड को कुछ याद नहीं आता। साइकेट्रिस्ट यह कहकर जाने लगता है, तुम्हारी मानसिक हालत अच्छी नहीं है, ये कहकर मैं तुम्हें टेम्परेरी बेल दिला दूंगा, मुझे अपनी दोनों लड़कियों से मिलने जाना है। साइकेट्रिस्ट के जाने पर डेविड पुलिसमैन के पास रखी टीवी में वही एड देखता है जिसमें साइंटिस्ट बेनी द डॉग के बारे में बात कर रहे थे। वो बताते हैं कैसे उन्होंने डॉग को काफी सालों तक फ्रीज करके रखा था और उसे फिर से जिंदा कर दिया, जिसे देखकर डेविड को कुछ याद आने लगता है और वो साइकेट्रिस्ट को वापस बुलाने लगता है। देन डेविड साइकेट्रिस्ट के साथ लाइफ एक्सटेंशन नाम की कंपनी में जाता है। डेविड साइकेट्रिस्ट से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, और वो सामने बैठी लड़की को देखकर उसका नाम लिवी बताता है। इतने में वो लड़की उनके पास आकर कहती है, आई एम लिवी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। साइकेट्रिस्ट डेविड को अपना सन बताकर इंट्रोड्यूस करता है और वो लाइफ एक्सटेंशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ की असिस्टेंट उन्हें बताती है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों की बॉडी को क्रायोनाइजेशन में फ्रीज करके रखती है जिनको ऐसी बीमारी है जिसका अभी कोई इलाज नहीं है। क्रायोनाइजेशन में टेम्परेचर -195 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, और जैसे ही फ्यूचर में उस बीमारी का इलाज मिलेगा, हम पेशेंट को फ्रीज से जगाकर ट्रीटमेंट देंगे और वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पेशेंट कितने भी सालों तक जिंदा रह सकता है, और यही हमारा मेन पर्पज है। तभी डेविड वहीं पड़ी एक मैगजीन पर ल्यूसिड ड्रीम लिखा देखता है और असिस्टेंट से उसके बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताती है, ये भी हमारा एक साइड प्रोजेक्ट है, यहाँ इंसान ऐसी लाइफ का ड्रीम देखता है जो वो हमेशा जीना चाहता है। फ्रीज स्टेट में जाने के लिए इंसान को पहले मरना पड़ता है, फिर हम उनकी बॉडी को क्रायोनाइजेशन में रखते हैं और उनकी बॉडी को जिंदा रखते हैं। देन उनके दिमाग से डेथ मेमोरी को मिटाकर उन्हें ल्यूसिड ड्रीम दिखाते हैं, जैसी लाइफ वो हमेशा जीना चाहते हैं, और इनको गाइड करने के लिए समय समय पर हमारा टेक सपोर्ट आपसे सपनों में आकर मिलता है, और आप कई सालों तक अपनी मनचाही लाइफ अपने सपने में जीते रहते हैं। डेविड पूछता है, क्या हो अगर ये सब गलत हो जाए, हमारा खूबसूरत ड्रीम एक नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाए। जिस पर असिस्टेंट कहती है, सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल थिंग है, वो हमारे साथ कई बार ट्रिक्स खेलता है, बिल्कुल ये एक रिस्क है, पर ल्यूसिड ड्रीम के लिए इतना रिस्क लेना तो बनता है। देन साइकेट्रिस्ट डेविड से पूछता है, क्या तुमने इन लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। डेविड को कुछ कुछ याद आने लगता है। देन वो अपना मास्क निकालता है। डेविड का चेहरा अभी भी डैमेज था। देन डेविड वहां से भागने लगता है और चिल्लाता हुआ जाता है, मैं जागना चाहता हूँ टेक सपोर्ट। ये चिल्लाता हुआ वो बिल्डिंग से नीचे की तरफ भागता है जहाँ कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ लिफ्ट में वही एक आदमी आता है जो डेविड से रेस्टोरेंट में मिला था, और वो डेविड से कहता है, आई एम एडमंड योर टेक सपोर्ट, हम आज से 150 साल पहले मिले थे। जिस पर डेविड कहता है, तुम्ही ने मुझे ल्यूसिड ड्रीम बेचा। देन एडमंड कहता है, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में वार्न करने आया था कि तुम्हारी सिचुएशन तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करती है, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे ले जाना चाहते हो। डेविड पूछता है, ल्यूसिड ड्रीम कब स्टार्ट हुआ। जिस पर एडमंड कहता है, तुम्हें वो क्लब वाली नाइट याद है जब तुम सोफिया सोफिया चिल्लाते हुए रोड पर भाग रहे थे
और शराब के नशे में वहीं सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग से तुम्हारा ये ड्रीम स्टार्ट हुआ और तुम 150 साल से वही लाइफ अपने सपने में जी रहे हो। एडमिट आगे बताता है, उस रात के बाद जो तुम्हारे साथ हकीकत में हुआ वो हमने तुम्हारी मेमोरी से इरेज कर दिया और तुम्हारे लूसिड ड्रीम के सपने तुम्हारी पास्ट लाइफ से ही इंस्पायर थे। जैसे सोफिया के साथ बिताए पल तुम्हारी मैगजीन में पड़ी हुई एक स्टोरी के जैसे थे। तुम्हारा एक फेवरेट शो जिसमें एक सपोर्टिव फादर अपने सन को गाइड करता है और इसी वजह से तुम्हारे माइंड ने साइकेट्रिस्ट को क्रिएट किया जिसमें तुम अपने फादर देखते हो और वो तुम्हें सारी परेशानी से निकालना चाहते हैं जबकि वो रियल नहीं है। डेविड पूछता है, मेरी लाइफ में क्या हुआ, जिस पर एडमिन कहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हारा हैंगओवर खत्म होते ही तुम वहां से उठे, वहां कोई नहीं था, तुम अकेले थे, तुमने सोफिया को फिर कभी नहीं देखा, तुमने थॉमस की हेल्प से कंपनी को कंट्रोल में लिया। डेविड एडमिन से कहता है, डेट मीन्स कि मैंने सोफिया को नहीं मारा क्योंकि मैं हकीकत में फिर उससे कभी मिला ही नहीं, पर किसी की तो डेथ हुई थी। जिस पर एडमिन कहता है, सब कुछ पाने के बाद भी तुम बहुत अकेले पड़ गए थे और हर वक्त सोफिया के बारे में सोचते रहते थे। तब डेविड को याद आया और उसने कहा, देन मैंने तुम्हारा एड टीवी पर देखा, तुम्हें नेट पर सर्च किया और तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसके बाद मैंने ढेर सारी पिल्स खाकर सुसाइड कर लिया। डेट मीन्स कि जिसकी डेथ हुई थी वो कोई और नहीं, मैं था। जिस पर एडमिन कहता है, फिर हम तुम्हारी बॉडी को लाए और उसे क्रायोनाइजेशन में रख दिया, तुम अभी सस्पेंडेड स्टेट में हो। तुम्हारे फ्रेंड ब्रायन ने तुम्हारे पुराने घर पर शोक सभा भी ऑर्गेनाइज की थी, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त था और वहाँ सोफिया भी आई और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए अभी भी प्यार था। वो कभी भी उस रात को नहीं भूल पाई जो उसने तुम्हारे साथ बिताई थी। ये सारी कन्वर्सेशन के बाद एडमिन डेविड के साथ बिल्डिंग के टॉप पर आ जाता है और आगे कहता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट था कि तुमने जूली के साथ सही नहीं किया और इसी वजह से तुम्हारा ल्यूसिड ड्रीम एक नाइटमेयर में कन्वर्ट हो गया और तुम्हारे सपने में बार बार क्लिच आने लगे। जिस पर डेविड कहता है, डेट मीन्स सब कुछ मेरे माइंड कंट्रोल में है, अगर मैं चाहूँ मेरा डॉक्टर अभी यहाँ आ जाए तो क्या। डेविड इतना ही बोल पाता है तभी वहाँ साइकेट्रिस्ट आकर कहता है, मुझे सुनो डेविड, ये लोग खतरनाक हैं, हम मुसीबत में हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। एडमिन डेविड से कहता है, तुम्हारे पास ऑप्शन है डेविड, हम ये सारी मेमोरी डिलीट कर देंगे और तुम वापस से अपना लूसिड ड्रीम जी पाओगे और सोफिया के साथ अपनी ब्यूटीफुल लाइफ कंटिन्यू कर पाओगे। डेविड कहता है, क्या तुम मुझे बेनी द डॉग की तरह वापस लाइफ में ला सकते हो। जिस पर एडमिन कहता है, यस ऑफ कोर्स, और अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो तुम्हारा चेहरा और आर्म सही कर देगी, पर तुम्हारे पास अब इतना पैसा बचा नहीं है। डेविड अपने फ्रेंड ब्रायन के बारे में सोचता है तभी ब्रायन भी वही दिखाई देने लगता है। डेविड कहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ। जिस पर एडमिन कहता है, यहाँ तुम बिल्डिंग से कूदोगे और वहाँ तुम क्रायोनाइजेशन से जाग जाओगे। साइकेट्रिस्ट डेविड को समझाता है, डेविड मेरी बात मानो, चलो यहाँ से, ये उन 7 ड्वार्फ्स का सेटअप है जो तुम्हें नुकसान पहुँचाकर तुम्हारी कंपनी हत्याना चाहते हैं। एडमिन कहता है, ये रियल नहीं है, तुम इस पर ध्यान मत दो। साइकेट्रिस्ट कहता है, आई एम रियल और तुम्हें पता है मेरी 2 डॉटर्स भी हैं। एडमिन साइकेट्रिस्ट से उन डॉटर्स के नाम बताने को कहता है, साइकेट्रिस्ट नहीं बता पाता। तब डेविड को यकीन होता है ये सच नहीं है और डॉक्टर उसे अलविदा कह देता है। डेविड अपनी रियल लाइफ जीने को डिसाइड करता है। एडमिन डेविड से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। डेविड कहता है, जब सब मेरे कंट्रोल में है तो मुझे सोचने दो। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो सोफिया के साथ आखिरी किस करता है और कहता है, मैं फ्रीज हूँ और तुम मर चुकी हो, मैंने तुम्हें तभी खो दिया था जब मैं उस कार में बैठा। सोफिया उसे कहती है, आई लव यू, मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ लूंगी। डेविड सोफिया की ही लाइन रिपीट करता है, हम अगले जन्म में मिलेंगे जब हम दोनों कैट होंगे, और वो बिल्डिंग से कूद जाता है। देन वॉइस सुनाई देती है, रिलैक्स डेविड, ओपन योर आईज, और आंख खुलते ही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के मोस्टली पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। बात आती है सोफिया की, मूवी के एंड में डेविड ने ऐसा क्यों कहा कि तुम मर चुकी हो और मैं फ्रीज हूँ। इसका जवाब भी मूवी में ही है, क्योंकि टेक सपोर्ट ने डेविड को बताया था कि वो 150 साल से फ्रीज है। डेट मीन्स कि अभी के टाइम में डेविड जब जागेगा उसके जान पहचान का कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं होगा। नेक्स्ट डाउट आता है टेक सपोर्ट का, जब डेविड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब टेक सपोर्ट जिंदा था, लेकिन फिर बार बार डेविड के ड्रीम में टेक सपोर्ट कैसे आया। ये प्रोसेस ल्यूसिड ड्रीम प्रोजेक्ट का ही था। जब भी कभी किसी व्यक्ति को जो कि क्रायोनाइजेशन प्रोसेस में है सबकॉन्सियस माइंड ड्रीम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है,
टेक सपोर्ट उसकी हेल्प कर सके, इसलिए उस व्यक्ति को एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करके रखते थे, जहां टेक सपोर्ट एक सॉफ्टवेयर था जो टाइम टाइम पर उस पर्सन को मॉनिटर करता रहता था और इस क्रायोनाइजेशन पर्सन का माइंड अपने आप ही टेक सपोर्ट की इमेज बना लेता था, जिससे वो अपने जिंदा रहते मिला था। थर्ड डाउट आता है साइकेट्रिस्ट का कि बेशक वो डेविड के माइंड की क्रिएशन था, पर वो अपनी बेटियों के नाम क्यों नहीं बता पाया। दरअसल मूवी में डेविड की जो कंपनी थी वो एक कॉमिक कंपनी थी, और ऐसे ही किसी कॉमिक में डेविड ने एक ऐसे सेंसिबल इंसान के बारे में पढ़ा जो बहुत ही केयरिंग था और उसकी दो बेटियां थी, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड को उन डॉटर्स के नाम ध्यान नहीं थे, इसी वजह से साइकेट्रिस्ट भी अपने दोनों डॉटर्स के नाम नहीं बता पाया। ल्यूसिड ड्रीम कहां से स्टार्ट हुआ ये आप लोगों को पता चली गया, हकीकत में क्या हुआ ये समझ आई गया। फिर भी अगर कोई डाउट्स बचता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं श्योरली उनका रिप्लाई करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट में नेक्स्ट मूवी सजेस्ट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें और अपने इस स्ट्रगलिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।